नमस्कार मैं रचा भाटी आप सभी का स्वागत करती हूं आरोग्य में दोस्तों हमारा आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है आयुर्वेद के मुताबिक इस प्रकृति में मिलने वाली हर चीज़ को अगर योग्य प्रमाण योग्य तरीके और योग्य परिमाप के साथ विरिष्ट रूप से सिद्ध किया जाए तो वो हर चीज़ चाहे वो जड़ी बूटी हो धान्य हो फल फूल हो या फिर मिट्टी ही क्यों ना हो औषधीय गुणों से परिपूर्ण होकर हमें स्वास्थ्य प्रदान करने वाली बन जाती है आयुर्वेद के बारे में और अधिक बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं हरिद्वार कनखिल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी तो आइए उनका स्वागत करते हैं वैद्य आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में और आइए आरोग्य की शुरुआत करते हैं आपके पेशेंट के साथ जिन्होंने आपसे सही उपचार पाया जी। मैं शाम से सानु ना वहाँ मेरी बहुत बीमारी होने लगा दा, एलर्जी मतलब तबीयत खराब रहते हैं हाई प्रेशर और उ, कुछ न कुछ कुछ न कुछ शरीर में दर्द बहुत कुछ इलाज किया वहाँ आसाम में कई एलोपैथिक दवाई से बिल्कुल मेरी ठीक नहीं हुई थोड़े दिन ठीक होगा और हो जाते हैं दो साल पहले डॉक्टर के पास में आया तो पूरा दवाई दो साल खाया यहाँ रहा तो पूरा ठीक हो कि असम गया असम में फिर दो साल रहा वहाँ फिर शुरू हो गया सारा बीमारी अभी आया तो डॉक्टर के पास आया मैंने इलाज करने लगा धीरे 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 ठीक होने लगा दस दिन की दवाई खाने के का बाद अभी बहुत कुछ आराम मिला अभी फिर दोबारा मैंने दवाई लिया तो इसीलिए डॉक्टर साहब को बहुत ही अच्छा लगा और उनका दवाई में दुआ भी है और बहुत ही अच्छा डॉक्टर है हमारा हिसाब से इसीलिए डॉक्टर साहब को मैंने धन्यवाद बोला और ईश्वर को भी मैंने धन्यवाद बोला शानू वैश्य जो कि असम से हैं इनको एलर्जी थी बॉडी पेन रहता था ब्लड प्रेशर था तो ये सारी चीज़ें एक साथ इन्हें कैसे हुई क्या कारण था इसका ऋचा जी जब ये पहली बार मेरे पास आए इनसे मेरी बातचीत हुई घर में किसी ट्रेजरी के कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान थी और साथ में इनको फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो गया था पूरी बॉडी में इनके खुजली चकते पड़े हुए थे और डिप्रेशन की स्थिति के कारण इनका बीपी काफ़ी हाई रहने लगता था और शरीर में इनके बहुत बेहद आशा दर्द रहता था शरीर में टूटन बहुत ज़्यादा रहती थी और खुजली और खुजली के साथ साथ शरीर में दर्द और शरीर के दर्द के साथ साथ ब्लड प्रेशर इसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा परेशान थी बीपी हाई होने के कारण नींद बिल्कुल नहीं आती थी और बेचैनी घबराहट साथ में होती थी कभी कभी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ना कभी कभी बहुत घटना पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा रहती थी और खुजली एक ऐसी बीमारी है वैसे तो एक कहावत भी है मजादों में ही है राज में या खाज में जिसके पास राज आता वो कद्दी छोड़ना नहीं चाहता और जिसको खुजली शुरू होती है वो खुजाता खुजाता इतना परेशान हो जाता है उस खुजाई छोड़ना नहीं चाहता और ये इतना खुजाते थे खुजाने के कारण कई बार अक्सर इनके शरीर से खून तक निकल जाता था इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा पैदा वृत्ता कार सम फिर चकते पड़ जाए पहले दाने लुप्त हों नए निकलते जाए रोचन रोचन यानी कि प्याज के छिलके रोचन छिलके की तरहें छिलके उतरते प्राय पीव सरा हो सर्वदा गड्ढे पी बढ़ जाए इनके शरीर में इतनी खुजली आती थी कि चमड़ी इनकी ऐसी उतरती थी जैसे कि प्याज के छिलके उतर रहे हों और इसके लिए आयुर्वेद में हम अपनी फार्मेसी में दवा दो जो मुख्य हैं नीम घनवटी और दूसरा रक्त विकार नाशक नीम का पंचांग लिया कूट करके उसको पानी में उबाला छानकर उस पानी को वेपोराइज किया नीचे जो बचा उसको कहते हैं नीम घन और दूसरा ऊशवा चोपचीनी मजीठ और महामंजिष्ठ आदि क्वाद घन सत्व द्वारा निर्मित रक्त विकार नाशक मैंने इनको दोनों की दो दो गोली दिन में दो बार दी बॉडी के टॉक्सिन्स पास आउट हों और पेट हमारा अगर अशुद्ध हो कोष्ठबद्धता ज़्यादा हो तो निश्चित रूप से ख्वाज खुजली या कोई भी बीमारी हो बढ़ती है कोष्ठ शुद्धि के लिए मैंने इनको प्रवाही का हर चूर्ण प्रवाही का हर चूर्ण एक एक चम्मच दिन में दो बार दूध या पानी से लेने के लिए इनको दिया और तीसरा शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द रहता था जिसके लिए शिलाजीत वटी और रामफल वटी इन दोनों की दो दो गोली मैंने इनको सेवन के लिए दी और शरीर में धीरे धीरे बॉडी के टॉक्सिन्स पास आउट हुए शरीर का दर्द भी कम होना शुरू हुआ और शरीर का दर्द अगर हमारा बीपी बढ़ेगा तो दर्द बढ़ता है और दूसरा जो इनको मुख्य समझता थी समस्या थी ब्लड प्रेशर की जिसके कारण शरीर में और सिर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता था उसके लिए हम अपनी फार्मेसी में एक बाबा जी द्वारा निर्मित है मुक्तावटी और दूसरा जवाहर मोरा होल दिलवटी जवाहर मोरा आयुर्वेद की एक बहुत प्रसिद्ध दवा है लेकिन काफ़ी महंगी है हम दूसरी जो बनाते हैं जवाहर मोरा होल दिल जिसमें मुक्ता शुक्ति प्रवाल पिष्टि रस सिंदूर अकीक और अर्जुन क्वात घनसत्व इसमें डालते हैं अर्जुन क्वात द्वारा यह बीपी लो हो या बीपी हाई हो दिल घबराता हो दिल बैठता हो एंजाइना पेन हो या घबराहट चक्कर बहुत ज़्यादा रहती है उसमें बहुत ही अच्छा कार्य करती है रक्तचाप आधिक्य से हृदय रोग उद्भाव होल दिल संग मुक्तावटी सर्वोत्कृष्ट प्रभाव मैंने इनको जवाहर मोरा होल दिल और मुक्तावटी इसके अंदर मुक्ता पिष्टि प्रबाल पिष्टि बच इत्यादि द्वारा ये निर्मित है इन दोनों की दो तो दो गोली सेवन के लिए दी इनका बीपी नॉर्मल हुआ इनका शरीर का दर्द नॉर्मल हुआ और जो इनको फंगल इन्फेक्शन था धीरे धीरे ये ठीक हुआ और भगवान के आशीर्वाद से अब ये काफी हद तक स्वस्थ है बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे कॉलर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ आइए उनसे बात करते रहे हैं हेलो जी कौन बोल रहे है कहाँ से जी बहुत बहुत स्वागत है आपका वैद्य जी से क्या पूछना चाहते हैं मैं बैठ जी ऐसी कोशिश करता हूँ पचास लीटर तक तो सांस फूलता है मामूली पेन होता है जी. आपके सांस फूलने का कारण क्या है से सांस फूलता है थोड़ा तो बैठ जाता हूँ तो आराम लगता है पानी पीने से। आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है ब्लड प्रेशर भी ठीक है और शुगर भी ठीक है और लिवर भी चेक कराया था सब चीज ठीक है ओके है पेट साफ रहता है पेट ठीक भैया आपका बैठने के बाद श्वास नहीं फूलता तो ये इंडिकेट करता है कि कम से कम आपको अस्थमेटिक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और कई बार कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो वैसे तो आपने बताया 160 ये तो नॉर्मल है और इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड वगैरह ज़्यादा हो वैसे तो आप रिपोर्ट भेजोगे तभी बता पाऊँगा लेकिन कई बार कोलेस्ट्रोल नॉर्मल हो लेकिन खून के अंदर जो चर्बी होती है उसको कोलेस्ट्रोल कहते हैं और जो चर्बी नसों के अंदर जमती है उसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड ये ज़्यादा हो तब भी दिक्कत हो जाती है आप एक काम करें जवाहर मोरा होल दिलवटी चाहे सांस फूलता हो दिल घबराता हो और दूसरा लोह रसायन आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो और तीसरा स्वयशांत वटी आप इन तीनों की दो दो गोली दिन में दो बार नियमित रूप से सेवन करें अपना रक्तचाप ब्लड प्रेशर नियमित रूप से चेक कराते रहें अगर बढ़े तो उसका ट्रीटमेंट कराना क्योंकि बीपी हाई भी एक कारण है और यदि आपको थोड़ी बहुत कफ की शिकायत हो आप गर्म पानी की भाप दिन में दो बार अवश्य लें धूल से धुएँ से खटाई से दही से पोल्यूशन से आप बचें और साथ में आप नियमित रूप से अपना पेट साफ रहे इसका विशेष ध्यान रखें रात को एक चम्मच त्रिफला या प्रवाही का चूर्ण दिन में दो बार या एक बार जैसे पेट की स्थिति हो नियमित रूप से सेवन करें कोष्ठ शुद्धि होगी तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा कई बार एंडाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है तो आप दिन में दो या एक बार एक चम्मच या दो चम्मच अपनी स्थिति के अनुसार डाइजेस्टिविटी पानी में उबाल कर छान कर नियमित रूप से सेवन करें आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा आपको इस तरह की दिक्कत नहीं सताएगी और मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रयोग से निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पूरे यकीन है कि इन्हें इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके आइए उनसे बात हेलो हेलो जी कौन बोल रहे हैं नमस्कार मेरा नाम सपना है मैं जयपुर से बात कर रही हूँ बहुत बहुत स्वागत है आपका वैद जी से क्या पूछना चाहते हैं नमस्कार जी 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 बहन प्रणाम मेरी मम्मी उनकी एज है 61, और जी। उनको अभी महीने से क्या हो रहा है कि जैसे सुबह उठती हैं तो आंखों के आगे एकदम उठने वक्त अंधेरा सा छा जाता है और पूरे टाइम क्या बॉडी में एकदम कमजोरी रहती है उनसे काम नहीं हो सकता है बिल्कुल भी थोड़ी देर खड़े रहने रहे पे पूरी बॉडी झंझनाती है सर से लेकर पाओ तक में झंझनाट होती है उनको बहन जी इसका कारण क्या है कारण अभी एक एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया था न्यूरो तो बताया है बोला खून की कमी है ना? खून की कमी आप इसके लिए वैसे तो नियमित रूप से उनको एक अनार या एक सेव या पालक गाजर चुकंदर इनका सेवन ज्यादा से ज्यादा कराएं। दूसरा आयुर्वेद की एक बहुत प्रसिद्ध दवा है पंचामृत मंडूर आप इसकी दो दो गोली दिन में दो बार या तो पुनर्नवासव आपको वहाँ उपलब्ध हो तो उसके साथ या लोहा इसके साथ आप सेवन कराएं और ज़्यादा दिक्कत बनती हो तो आप इनको मेदनाशक गोधनवटी इससे खून की क्रिया बढ़ेगी खून ज़्यादा बनेगा लीवर फंक्शन एक्टिवेट होंगे और मैं छोटा सा एक प्रयोग और बता रहा हूँ आप एक ग्राम मुक्ता पिष्टी दो ग्राम प्रवाल पिष्टी इन दोनों को मिलाकर आठ पुड़िया बना लें जिनमें दो बार एक एक पुड़िया या तो शहद के साथ दें ज़्यादा अच्छा होगा मुरब्बे आंवले के साथ दें मुरब्बा आंवला उनकी आँखों के लिए भी अच्छा रहेगा और एनिमिक जो स्थिति है उसमें भी बहुत लाभ देगा तो आप मुरब्बे आंवले के साथ देकर ऊपर से दूध पिलाएं निश्चित रूप से लाभ मिलेगा रही बात आँखों की मोतियाबिंद की यदि मोतियाबिंद पक गया है तो उसका ऑपरेशन के सिवा और कोई सोल्यूशन नहीं है और आँखों में दिक्कत बनती है तो मैं कई बार इस प्रयोग को बता चुका हूँ एक बार और बताता हूँ आप सौ ग्राम आमलकी रसायन किसी अच्छी फार्मेसी की ले लें दस ग्राम मुक्ता शुक्ति भस्म बीस ग्राम सप्तामर्त लोह एक ग्राम रजत भस्म और एक ग्राम इसमें रसराज रस इन पांचों को मिला लें और मिलाकर छोटे वाली एक एक चम्मच दिन में दो बार यदि हो सके तो महा ग्रत एक चम्मच ये और दो चम्मच आप इसमें शहद मिलाकर चाट लें ऊपर से इनको दूध का सेवन कराएँ मैं उम्मीद करूँगा आँखों में एनिमिक में चक्कर में घबराहट में और झंझनाहट में इनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और ये अपने आप को बहुत स्वस्थ और एक्टिव महसूस करेंगी तो दर्शकों अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप बिना झिझक के इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो प्रोग्राम है आरोग्य ये सिर्फ आपके लिए है ताकि आप एक निरोगी ज़िंदगी जी सके फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक आप कहीं जाइएगा नहीं हम जल्द हाज़िर होंगे